फील करना है कपड़ा, हाँ जी, पांच छह सेट या दो चार पीस भी मंगवा के उसको चेक कर ले पहले, ठीक ले या घर में यूज कर ले, तो वो क्वालिटी के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके काउंटर पर किस हिसाब से सेल होती है, आपको अच्छा मार्जिन उसके ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके जजमेंट के बाद भी आप परचेस कर सकते हैं। हमने 7 जगह शोरूम खोल दिए हैं, ठीक है, तो 2 दिल्ली में, 1 रोहतक में, करनाल में, हाँ जी, पूना में है, बेंगलोर में है, भोपाल में, हाँ जी। तो कोई लोग पास की सिटी के हो तो वहाँ पर जाके भी क्वालिटी को चेक कर क्वालिटी देख, स्किन की एलर्जीज होती है, तो आप रुई पहनिए, बिकॉज ये पूरा आपको स्किन फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, स्किन फ्रेंडली मिलेगा। रेयॉन का मतलब रेयॉन कॉटन का मतलब कॉटन, लिनन का मतलब लिनन, और द ब्लेंड्स ऑफ दीस थ्री ओनली रेयॉन के अंदर है, ठीक है, तो इस तरह से है एम्ब्रॉयडरी के अंदर बेसिक पैटर्न है, और बेसिक पैटर्न के अंदर हमारे पास प्रिंट्स में भी है, और इस तरह से शिपली, ये जो लेसेस है ये भी हमारे शिपली है, सेल्फ में बॉक्स स्टाइल है। सबसे अच्छी बात मैम देखिए, वो डिजाइनिंग तो है ही है, लेकिन मेरे को जो कपड़े की जो फील है ना वो काफी रिच फील है, बता सकते हैं सिर्फ एक सैंपल स्टोर या सैंपल शोरूम जिसे कहते हैं। साहिल जी मैं आपको दिखा रही हूँ ऑलरेडी प्रोडक्ट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉर्डर स्टाइल है, लीलन टाइप की फील जिसे कह सकते हैं, कॉटन में भी डॉबी चल रहा है, प्रिंटेक्स स्टाइल में हो, प्लीट्स के स्टाइल में। हमारे व्यूअर्स को हमेशा से इंतजार रहता है कुछ नया कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। आज हम एक ऐसे स्टोर पे आए जहाँ पे आपको ब्रांडेड चीजें मिलेंगी, बेसिकली एक कुर्ती मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पे आपको हर एक तरीके की कुर्ती यहाँ पे मिलती है। अगर बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट स्टॉप की तो भी चीजें मिलेंगी, अगर आपको चाहिए लॉन्ग कुर्ती कॉन्सेप्ट तो भी चीजें मिलती हैं, यानी अगर आपको सेट वाइज कॉन्सेप्ट अगर परचेस करना है, क्वांटिटी में चीज आपको परचेस करनी है, यानी वैरायटी आपको देखेंगे तो काफी सारी मिलती है। सिंपली देखेंगे तो व्हाइट के अंदर इतनी सारी यहाँ पे कलेक्शंस लगी हुई है, तो एक ऐसा हब, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग शॉप जहाँ पे आपको सारी कलेक्शंस मिलती है, प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल होता है क्योंकि फैक्ट्री प्राइस होते हैं, सेकंड थिंग क्वालिटी इस तरीके की होती है, पूरी गारंटी होती है, मतलब हर तरह से फैब्रिक है, उसकी आफ्टर वॉशिंग है, हर एक तरह की चीज़ों में गारंटी रहने वाली होती है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरलुक दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि इस स्टोर में कितनी सारी वैरायटी, कितनी सारी कलेक्शंस यहाँ पे मिलती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा हो सामने कुछ लेगिंग्स या बॉटम वेयर्स जिसे कह सकते हैं, वो सारी कलेक्शन यहाँ पे मिलती है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो ऑनर हैं, जो चीज़ आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती, कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं, तो बात करते हैं भैया से, चलते हैं भैया के पास। तो सर आपके पास इतने सारे कलेक्शन आप रखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है, सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे क्या क्या चीज़ स्पेशलाइज होती है आपके पास? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जैसे कि रुई हमारा 37-38 साल पुरानी कंपनी है, हाँ जी, तो हमने अपना जो बिजनेस है वो कपड़े से चालू किया था जी। तो कपड़े में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है जी, जब तक मैं देखता हूँ कि एक सॉफ्टनेस की प्रॉब्लम आती है, लोग पहनते हैं तो कपड़ा सॉफ्ट नहीं होता, हाँ जी, मशीन को जाता है, हाँ जी, और कपड़े की ब्लीडिंग हो गया, पहला कलर ब्लीड करता है, हाँ जी, तो एक ही वॉश के बाद। तो हमारी गारंटी होती है कि हम लैब टेस्ट करते हैं 40-50 वॉश तक, ठीक है, हमारे कपड़े को कुछ भी नहीं होता। एक प्रॉब्लम आती है पिलिंग की, हाँ जी, हाँ जी, कपड़े में रुए उड़ जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, फ्रिक्शन से, हाँ जी। और एक और प्रॉब्लम आती है कि गर्मी में लोग पहनते हैं तो कपड़े के अंदर मतलब पसीना काफी आता है, ठीक है, तो हमने उसको एंटी स्वेट भी बना रखा हुआ है, ठीक है, स्वेटिंग सब कम से कम आया उसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह का मतलब अब ये सब जो चीजें हैं ये ब्रांडेड चीजों में ही मिलती है, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिकल रेंज में बनाने के लिए कि भाई 37-38 साल का एक्सपीरियंस काम आ रहा है हमारा, हाँ जी, हाँ जी, सारी चीजें ऐसी रेंज में बना दो कि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल सर। तो इस तरह से हमारा ये रुई का कपड़ा जो हम बनाते हैं वो आरएफपी पेप सोर्सिंग कंपनी में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वो अभी थोड़े दिन पहले जो हमारी कंपनी को पीयूष गोयल जी ने एक अवार्ड भी दिया था सस्टेनेबिलिटी के लिए, अच्छा, क्वालिटी के लिए। तो सर वही है, जैसे मैं भी काफी बार आपकी वीडियो शूट्स की डाली है मैंने वीडियोस को, कस्टमर्स का भी है हमेशा पॉजिटिव रिव्यू रहता है कि क्वालिटी थी तो हमने आगे सेल आउट की, एक अच्छे मार्जिन पे सेल आउट की, या आफ्टर वॉश कोई कंप्लीट नहीं आई। कोई भी देखिए शॉपकीपर है जो आगे रिटेल जो आगे करता है, सपोज आप तो होलसेल में देंगे चीजें, मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट पे देते हैं या बल्क में सेल आउट करते हैं, लेकिन जो आगे रिटेल करता है आपसे परचेस करने के बाद, तो उनका भी रिव्यू पॉजिटिव रहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट था। तो जब कस्टमर रिपीट आता है तो सबसे वेल एंड गुड, जब भी एक कंपनी की कहते हैं ना गुडविल का या क्वालिटी का पता लगता है, वही चीज तो आपकी वीडियोस के बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते ही हैं जी। अभी हमने महाराष्ट्र गए थे बॉम्बे में, हाँ जी, तो वहाँ एग्जीबिशन लगाई थी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने आपकी यूट्यूब देखी हुई थी, हाँ जी, उन्होंने एंटर किया हमारे यहाँ पर, हाँ जी, कपड़े को फील किया, हाँ जी, तो वो कस्टमर में कन्वर्ट हो गए, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारी बार होता है कि हर आदमी को कपड़ा भी फील करने का मन करता है जी जी। तो हमने नई पॉलिसी बनाई कि पहले हमारा था कि 1.25 लाख से कंपनी दे रहे थे, ठीक है, अब हमने अपना पॉकेट साइज छोटा कर दिया है, ठीक है, जिससे किसी को फील करना है कपड़ा, हाँ जी, 5-6 सेट या 2-4 पीस भी मंगवा के उसको चेक कर ले पहले, ठीक है, क्योंकि आज सबसे बड़ा तो ट्रस्ट लेवल है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी वीडियो में कोई ये तो कहेगा नहीं कि हमारी क्वालिटी खराब है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, लेकिन लोगों ने
के साथ थूका हुआ ही है जी, तो मैं ये तो ये चाहूंगा कि पहले लोग हमारे जो पीसों को कम पीसों को मंगवा के ट्राई कर लें। हाँ जी, और वो बेच लें या घर में यूज कर लें तो वो क्वालिटी के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद एक महीने बाद दो महीने बाद लें। हाँ जी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब वही आपके साथ बात सही है कि देखिए जो नया जो पुराना बंदा आपसे काम करता है, जो पुराने शॉपकीपर्स जुड़े हैं आपसे, तो उनको तो पता है कि क्वालिटी ट्रस्टेबल है। मैं भी अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि क्वालिटी ट्रस्टेबल है, आप बिल्कुल आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कोई इशू आएगा नहीं। लेकिन फिर भी नया कस्टमर है, उसको थोड़ी भी दिमाग में संशय है, कुछ भी दिक्कत है, तो कुछ क्वांटिटी से भैया ने बताया तो उस हिसाब से मंगा के चेक कर सकता है। इससे क्वालिटी का आप जजमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके काउंटर पर किस हिसाब से सेल होती है, आपको अच्छा मार्जिन उसके ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके जजमेंट के बाद भी आप परचेस कर सकते हैं। पर ज्यादातर जो हमारा ये बिजनेस है जी, हमारा ज्यादातर ये काम हम लेडीज बेस ही है। हाँ जी, क्योंकि हम जो हमसे परचेस करता है तो हम थोड़ी एजुकेशन भी देते हैं सेल्स करने की। हाँ जी, हाँ जी, स्टॉक को मेंटेन करने की गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है। अब जो लोग 15-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं उनको गाइडेंस की जरूरत। बिल्कुल सर, हम उनको गाइडेंस देते हैं जिन्होंने नया बिजनेस चालू किया है। हाँ जी, और उनको वो नॉलेज दे देते हैं जो दूसरे लोगों ने 15-20 साल में सीखी है, उसको हम 6 महीने साल भर में उनको सिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार होता है कि जो कई बार दुकानदार आते हैं पूछते हैं कि हमें क्या दोगे गाइडलाइन, तो लेकिन जो 15-20 साल से काम कर रहा है उनको इतनी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, एक गाइडलाइन उन्हीं जरूरत ही उन्हीं को है जो उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि आप ट्रस्टेड फर्म से जुड़ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भी आप अगर आप आके विजिट करेंगे फिर परचेस करेंगे, वेल एंड गुड है, उससे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं। आप यहाँ पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी कंप्लीट एड्रेस है, पूरे फोन नंबर भी ऑनस्क्रीन पर दिए गए, आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी सुविधा मिलेगी। एक हमारा साथ में प्लस पॉइंट ये हो गया कि हमने 7 जगह शोरूम खोल दिए। ठीक है, तो 2 दिल्ली में, 1 रोहतक में, करनाल में, हाँ जी, पूना में, बेंगलोर में है, भोपाल में। हाँ जी, तो कोई लोग पास की सिटी के हो तो वहाँ पर जाके भी वो क्वालिटी को चेक कर क्वालिटी देख सकते हैं। हाँ जी, प्राइस भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर उस प्राइस में चीजें बिक भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उस प्राइस में खुद भी बेच सकते हैं। बिल्कुल, तो उनके साथ ये है कि कई बार दिल्ली आना दूर है तो कहीं आसपास। हाँ, नियर बाय सिटी अगर पड़ती है आपके, जैसे बी एन एन जो नाम बताया, तो वहाँ पर भी चेक आउट कर सकते हैं क्वालिटी। वहाँ पर आपको हम उनके सबके एड्रेस दे देंगे, तो उसमें आपको वहाँ पर जाके चेक कर लो और उन दुकानदार से पूछ लो कि उनका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, क्वालिटी कैसे बिक रही है, किस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं नहीं पा रहे। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर सारी बातें हुई, कुछ बातें करते रहेंगे, कुछ वैरायटी भी देखते हैं, इससे कस्टमर्स को आइडिया लगेगी क्या क्या कलेक्शन होने वाली है। वो तो मैम दिखाने वाली है। सही जी, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको कॉट सेट सिखा दी हूँ, जो कॉट सेट मतलब ये हमारा कफ्तान स्टाइल के जो 2 पीस है, कफ्तान स्टाइल में आने वाले। तो द फैब्रिक इज रेयॉन एंड कॉटन, नो मिक्सिंग और कोई पॉलिएस्टर या कुछ भी सिर्फ सर ने भी बोला। हाँ जी, इट्स अ बॉडी फ्रेंडली। हाँ जी, तो अब डॉक्टर्स भी रिकमेंड, दे हैव एक्सपीरियंस इट। अपने कस्टमर को जिनको की स्किन की एलर्जीज होती है, रिकमेंड कि आप रुई पहनिए, बिकॉज ये पूरा आपको स्किन फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, स्किन फ्रेंडली मिलेगा। रेयॉन का मतलब रेयॉन, कॉटन का मतलब कॉटन, लिनन का मतलब लिनन, और द ब्लेंड्स ऑफ दीस थ्री ओनली, देयर इज नो अदर। अब ये जो स्टाइल है ये है हमारा जो जो कॉटन चल रहे हैं। बिल्कुल, और द फैब्रिक इज अगेन कॉटन, इसकी जो प्रिंटिंग है, और जैसे ये है हमारे सॉलिड कलर में है, इस तरह के वेरिएशन है। और जो रुई की जो एक खास बात ये है कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से है कि यू कैन वेयर इट एनी टाइम, मतलब फॉर्मल वेयर में भी आप इसे पहन सकते हैं, मतलब कॉलेज में जो वर्किंग है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि ये इसका जो कट फिट स्टाइल है, फैब्रिक है, आप कंफर्टेबल यू कैन कैरी इट आउट। बिल्कुल, तो जो इसकी अब जैसे ये है, ये हमारे लॉन्ग 2 पीस सेट से आपको दिखा रही हूं, मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही आएगा, साथ साथ जो एक ब्रांड की फील होती है सोबरनेस से, कैसे रिचनेस के साथ चीजें आएंगी। हाँ जी, तो ये ब्रांड तो अब आप लोगों ने बना ही दिया, क्योंकि हमारे अब शोरूम्स भी खुल गए हैं, लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया। बॉम्बे में भी जब हमारी CMI में एग्जीबिशन लगी थी, हाँ जी, बहुत ज्यादा बॉम्बे के वेदर के अकॉर्डिंगली लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, हर्मिट वेदर होता है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिएगा ये है, ये रेयॉन के अंदर है, 2 पीस सेट्स है। ठीक है, अभी जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे मैं और भी चीजें बताती जाऊंगी, देखिएगा ये स्ट्राइप्स के अंदर है, ये हैवी रेयॉन है। ठीक है, देखिएगा मतलब फैब्रिक में थोड़ा फील करके देख लूंगा, ये चीज मैं आपने बहुत अच्छी कही कि अच्छा डेंस फैब्रिक। हाँ, डेंस फैब है, डेंस फैब्रिक है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी डेंसिटी ऑफ द फैब्रिक डिपेंड करता है, रेयॉन है, रेयॉन की भी जो थिकनेस है, उसका जो काउंट्स है, हाँ जी, थ्रेड का जो काउंट है तो वो डिफरेंट, जैसे ये देखिएगा प्योर कॉटन में है, एंड अकॉर्डिंग टू द कलर वेरिएशन, ये जगह के अनुसार उसका वेदर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा
लाइकिंग पे फर्क हो जाता है। जैसे टू पीस है, एम्ब्रॉयडरी वर्क आ गया, ये एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है। तो मैं साहिल जी, जो मैं आपको ये छोटा सा, बहुत छोटा सा डेमो दे रही हूँ, जो भी मैं पीसेस दिखा रही हूँ सिर्फ एक एक स्टाइल दिखा रही हूँ, उसके अलावा बहुत ज्यादा पीसेस, मतलब वैरायटीज इसके अंदर, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स काफी सारे। स्टाइलिंग का एक ब्रीफ देना चाह रही हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइलिंग, मतलब किस किस तरह की डिजाइनिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये सिर्फ वो चीज दिखाई जा रही है। जैसे ये है, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ टोन टोन मैचिंग एम्ब्रॉयडरी है। एसटीडीज में पहले मैंने आपको पोंचो स्टाइल में टू पीस दिखाया, फिर मैंने गॉट सेट सिखाया, फिर मैंने लॉन्ग में टू पीस सिखाया, अब मैं थ्री एसकेडीज सिखा रही हूं। गॉट, अभी देखिएगा ये जो मेरा पीस है, ये रेमन के अंदर है, थ्री पीस के अंदर है, ये इतनी सटल, और देखिएगा ये एम्ब्रॉयडरी हो गई, शिफली एम्ब्रॉयडरी, टोन टू टोन एम्ब्रॉयडरी जिसे कह सकते हैं। मतलब आप इसको फेस्टिव में भी पहनेंगे तो इट गिव्स यू अ रिच लुक, और अगर आप ऑफिस में भी पहनते हैं तो ये भी आपको एक एक अच्छी, एक प्रॉपर कंप्लीट लुक देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी अगेन रेयन के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये देखिएगा ब्लू के ऊपर व्हाइट शिफली का है, शिफली एम्ब्रॉयडरी हमारा फोटो है, और इसका जो कट फिट है ये हमारा ए लाइन में है, प्रिंस कट के साथ है, ये ठीक है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट से जो कह सकते हैं, स्टिचिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो सारी चीजें मिलने वाली है। मतलब है देखिए, ये स्ट्रेट पैटर्न है, स्ट्रेट पैटर्न, आप इसका जो कट फिट स्टाइल है वो इस तरह से है कि आप यू कैन कैरी इट एनी वेयर, मतलब कम्फर्टेबली, कम्फर्टेबल है या बाहर भी है, इसकी स्टाइलिंग ये देखिएगा, इसका डिफरेंट दूसरा कलर है। और सबसे अच्छी बात की जो कलर कॉम्बिनेशन भी है ना, वो आजकल जो प्रेफरेबल कलर्स जो यंगस्टर ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हर बार सीजन के हिसाब से या टाइम टू टाइम चेंज होती है कलर, शिफ्टिंग भी ज्यादा पसंद की जाती है। तो अभी देखिएगा, मैं वैसे बताती हूँ जो रुई का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक इसका जो कुर्तीज होती है 41 inches होती है, जो सिर्फ सिंगल कुर्तीज होती है, ठीक है। तो सिंगल कुर्तीज के भी वी हैव लॉट्स ऑफ पैटर्न, तो मैं उसमें से एक पैटर्न ही दिखा रही हूँ, ये 41 inches कुर्ती है, जो बेसिक जो नी लेंथ तक होती है, 3/4 इसकी स्लीव्स होती है, बाकी फिर जो थोड़ा सा स्टाइलिंग के संग चेंज होता रहता है पैटर्न, और ये हमारा बेसिक कुर्ती है, द फैब्रिक इज कॉटन, और ये शिफली एम्ब्रॉयडरी के साथ, मतलब स्टिचिंग्स जो या एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग्स जो फेल बेसिक पैटर्न है, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट, और जो बेसिक पैटर्न है, जो सिंगल कुर्ती भी अवेलेबल होगी, ठीक है। देखिए ये जो बेसिक पैटर्न है, लेकिन ये शिफली एम्ब्रॉयडरी के अंदर बेसिक पैटर्न है, और बेसिक पैटर्न के अंदर हमारे पास प्रिंट्स में भी है, ठीक है। और मैं आपको बस छोटा सा एक डेमो दे रही हूँ की किस तरह का बेसिक पैटर्न में 41 inches के अंदर इस तरह से हमारा अभी भी सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क आने वाला इसके ऊपर। हाँ जी, देखिएगा ये बोरिंग के साथ, बोरिंग वर्क आएगा, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी है बोरिंग के साथ है, इसमें देखिएगा अलग पैटर्न है, कुर्ता पट्टी के साथ है, और इस तरह से शिफली, ये जो लेसेस है ये भी हमारे शिफली बनाई हुई है, देखिएगा ये डिफरेंट, और कॉटन के अंदर है, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी के अंदर है बैक एंड, और ये देखिएगा ये भी पूरा एम्ब्रॉयडरी के अंदर है, कलर कॉम्बिनेशन है दोनों का, जो स्टाइलिंग ऑफ द एम्ब्रॉयडरी है डिफरेंट है, ये देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ इन बेसिक कुर्ती। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बेसिक कुर्ती में हम प्रिंटेड कुर्तीज भी बनाते हैं, तो देखिएगा इस तरह का प्रिंटेड कुर्ती है, इस तरह का थोड़ा सा हमने जो डिजाइनिंग है चेंज होता है। हाँ जी। ये सेकंड डिजाइनिंग चेंज है, इसमें कुर्ता पट्टी के स्टाइल से है, और इस तरह का ये रेयन है, आप इस फैब्रिक को चूज देखिएगा, इसका फ्लो देखिएगा, सॉफ्टनेस काफी अच्छी सॉफ्टनेस फील है, और प्रिंटिंग भी देखिएगा, जैसे मैम जी आफ्टर वॉशिंग से प्रिंटिंग हिसाब ने बताया कि कोई इशू आएगा ही नहीं। आपको बताया कि जो ये आरएमपी फैब सोर्सिंग को अभी पीयूष गोयल जी ने उसको अवार्ड दिया, एक्सीलेंसी अवार्ड ऑफ दिस ईयर, तो दिस इज बिकॉज दिस फर्म इज डूइंग परफॉर्मेंस इन दिस। ये देखिएगा इसका प्रिंटिंग भी देखिएगा, कुछ थ्री डी फील आ रही है इसके अंदर। हाँ, मतलब देखिएगा ये भी आरएमपी की प्रिंटिंग है। हाँ जी, हाँ जी, और इस तरह का इसका स्टाइलिंग है, ठीक है। देखिएगा ये प्रिंटिंग के हिसाब से है, जैसे ये बॉम्बे है, यहाँ पे थोड़ा सा पतला लाइट वेटेड फैब्रिक, पतला फैब्रिक चल रहा है, मतलब काफी फील भी स्मूथ आ रही है, बाकी लाइट वेटेड लग रहा है, ऑल कॉटन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिएगा इसका प्रिंटिंग देखिएगा। We do digital painting also, we do rotary painting, we do block painting, we do chaffer kind of a painting. जो भी मार्केट में ट्रेंडी है, जो इन है फैशन की डिमांड होती है, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग भी होती है, जो रोलर्स चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब जो नेक्स्ट स्टाइल मैं दिखा रही हूँ, इस तरह के हम वन पीस ड्रेस भी बनाते हैं, ठीक है, फैदर्स के साथ। आप इसको चूड़ीदार पहन के नीचे भी पहन सकते हैं, आप इसको कुर्ता के जैसा भी पहन सकते हैं, अदरवाइज ये वन पीस ड्रेस के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाया, इस तरह के मेरे पास बहुत सैंपल्स हैं, अलग प्रिंटिंग होगी, अलग फैब्रिक होगा, हर फैब्रिक की अपनी एक आइडेंटिटी होगी, अपना एक फैब्रिक दूसरे से डिफरेंट होगा। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट कि मैंने आपको एक स्टाइल ऐड कर दिया कि दिस काइंड ऑफ स्टाइल दिया मेकिंग। ये देखिएगा, जैसे मैंने
बताया कि जैसे आपको मैंने ए लाइन का बताया था फ्रेंड्स पैटर्न, दिस इज ओनली द कुर्ती, इसका फैब्रिक से मैंने कहा कि हर की अपनी एक आइडेंटिटी देखा कर, इस पे डॉबी चल रहा है, सेल्फ में बॉक्स स्टाइल है। सबसे अच्छी बात मैम देखिए वो डिजाइनिंग तो है ही है, लेकिन मेरे को जो कपड़े की जो फील है ना वो काफी फील है। देखिएगा इस तरह का फिर स्टाइलिंग है, काफी वास्ट है, क्योंकि देखिए ये सारे सिर्फ सैंपल्स ही सैंपल्स हैं, तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ एक सैंपल स्टोर या सैंपल शोरूम जिसे साहिल जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलरेडी प्रोडक्ट, हाँ जी ये रेडी है, इसमें 2000 प्लस स्टाइल है, हाँ जी हाँ जी, तो और सारा स्टॉफ इज रेडी, तो हम जो वीडियो बनाते हैं हम रेडी पे ही बनाते हैं। ये देखिएगा आप शॉर्ट कुर्तीज की बात करें, हमारे पास 41 इंचेस मैंने दिखाया, 45 इंचेस होता है जो बिलो नील होता है, ठीक है, साउथ में हमारा 45 इंचेस बहुत ज्यादा चलता है, साउथ इंडिया में वहाँ पे बिलो लॉन्ग कुर्तीज पहनते हैं, तो वहाँ का स्टाइल है। और जो ये है शॉर्ट कुर्तीज, ये ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा लाइक की जा रही है, और ये इसका भी लेंथ जनरली रहती है इसकी 31 इंचेस रहते हैं, ठीक है, बट अब इसमें वेरिएशंस हो गए डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल, तो शॉर्ट भी आ गया है इसमें, शर्ट स्टाइल है, तो ये शिफली का मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉर्डर स्टाइल है, ये शिफली का शॉर्ट कुर्तीज है, अगेन द बेस इज कॉटन, ठीक है, मतलब फैब्रिक तो देखिए वही कॉटन ही रहने वाला, जो स्किन फ्रेंडली भी रहेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट भी रहने वाला है, सेम फैब्रिक है बट देखिएगा कितना वेरिएशंस काफी सुंदर, इस तरह से हम प्ले करते हैं रोल वेरिएशंस। अब देखिएगा ये शॉर्ट पैटर्न में विद बो के स्टाइल है, आगे से ऊपर है, नीचे पीछे से डाउन है, अप एंड हाई एंड लो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जी, और इस फैब्रिक को देखिएगा, इसका अपना एक टेक्सचर है, अपने लीलन टाइप की फील जिसे कह सकते हैं, कॉटन में भी डॉबी चल रहा है, तो देखने में एक कुछ स्टाइल नहीं लगता, बट जब आप सोबर और रिच जिसे कहेंगे पहनने से एक उसकी लुक आती है, फ्लो आता है, जैसे देखिएगा ये इस तरह का स्लीव्स के छोटी स्लीव्स के साथ है, और ये इस तरह की गैदरिंग डाली गई है, ये नेक स्टाइल है, वी नेक के साथ है, और बेल्ट इस तरह का अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ है, हाँ जी हाँ जी, छोटा सा कोई प्लीट है, ये देखिएगा ये विदाउट प्लीट्स है, शॉर्ट टॉप में है, और इस तरह का बलून स्टाइल के अंदर इसकी स्लीव्स है, ये गैदर्स के अंदर है, इसमें आगे पीछे दोनों स्टाइल से गैदर्स हैं, और ये हमारा फॉइलिंग के अंदर प्रिंट आ रहा है, ये भी देखिएगा ये प्रिंट है, ये रियॉन के अंदर है, रियॉन क्रेप रियॉन के अंदर है, और ये बेल्ट स्लीव्स के साथ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखिएगा ऑथेंटिक प्रिंट है इसमें बिल्कुल, और सभी फैब्रिक देखिए लग रहेगी सिंपल होंगे, लेकिन सब के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है वीविंग के अंदर, देखिएगा ये हमारा फॉइलिंग के अंदर प्रिंट है जी जी जी, विद बॉर्डर सेटिंग के साथ है, ये हमारा वैसे इन ट्रेडिशनल प्रिंट है, ठीक है, फिर देखिएगा इस तरह की कुछ प्रिंटेक्स स्टाइल में थोड़ा सा प्लीट्स के स्टाइल में शॉर्ट कुर्तीज है, और बेसिक जो थ्री जो शॉर्ट कुर्तीज जो चलती है समर्स के अंदर इस तरह के नेक के साथ, हाँ जी, ये देखिएगा ये अलग एक अनदर स्टाइल है कि आगे से प्लीट्स है पीछे से सिंपल है, ठीक है, ये देखिएगा ये हमारे शर्ट स्टाइल्स हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ शर्ट्स आल्सो, बट मैंने आपको दिखाया कि इस तरह के हम, वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि वैरायटी काफी सारी है, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप मैम दिखा देते हैं कस्टमर्स को, हाँ जी वीडियो कॉल, ज्यादातर हमारे जो 90% कन्वर्जन दे हैव कन्वर्टेड थ्रू द वीडियो कॉल्स ओनली, हाँ जी, एंड इट इज सो सरप्राइजिंग फॉर अस आल्सो, हमें लगता था कि विजिट करके ज्यादा आएंगे, बट बिकॉज़ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी जो दूर बैठे हैं, हाँ जी, तो वो एक बार वो जब देख लेते हैं कर लेते हैं एक ऑर्डर देते हैं, देन वी बिकम अवर परमानेंट, ये देखिएगा ये फॉइलिंग के अंदर है, ठीक है, तो मैंने आपको कुर्ती उसका बता दिया हमने कि एसकेडीज भी हो गए, सिंगल कुर्तीज हो गई, टू पीस में कुर्तीज हो गई, और 41 इंचेस की हो गई, 45 इंचेस की हो गई, 31 एक जो स्टैंडर्ड है उसके आगे वेरिएशन है, तो शॉर्ट कुर्तीज हो गई, दुपट्टे हो गए, पॉन्चोस हो गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वी डू ओनली द लोअर्स आल्सो, लोअर्स में भी हमारे पास थ्री क्वालिटीज होती है, कॉटन होता है, रेयन होता है, और हमारा लिनन होता है, ठीक है, वी डू द स्ट्रेट, जैसे ये मेरे हाथ में है ये कॉटन का है, जैसे कि कॉटन का लोअर है, और टू इसके अंदर पॉकेट्स होती है, ये विद पॉकेट्स है, ठीक है, स्ट्रेट फिट होती है, हाँ जी, देखिएगा ये रेयन के अंदर है,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम फिक्स स्टाइल है विद द फैब्रिक इज रेयॉन। कई लोगों को रेयॉन बॉडी फ्रेंडली लगता है, और जो रेयॉन की खास बात ये है कि सीजन के अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हाँ जी, हाँ जी, तो इट्स वेरी समर फ्रेंडली फैब्रिक ऑल्सो। ठीक है, और देखिएगा तीसरा जो स्टाइल है ये लिनन के अंदर है, मतलब कि अप्रोक्सिमेट सभी तरह के फैब्रिक्स मिल जाएंगे, लिनन है, कॉटन है, रेयॉन है, फिर ये है प्लाजो, इस तरह के प्लाजोज है, प्लाजोज की भी और रेंज है। प्लीज जैसे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क आएगा, लिमिटेड दिखा रहे हो क्योंकि वी हैव अ टाइम लिमिट। दिस का स्टाइल है, ये धोती स्टाइल भी है। अब जैसे हम प्लाजोज की बात करते हैं, देखिए साइन जी ये पूरा सेक्शन हमारा लोअर्स का है, ठीक है, और उधर भी देखिएगा सेक्शन एक हमारा लोअर्स का है। हां जी, हां जी, हां जी, यानी कि वैरायटी देखें तो काफी वास्ट वैरायटी है, काफी सारी चीजें यहां पे मिलेंगी। जैसे ये हमारे जो वाइट सूट है जी, देखिएगा ये जो वाइट फ्लावर्स के लिए जो, और ये हमारा व्हाइट कुर्तीज है जो कि कॉलर्स के साथ है, अलग अलग उसमें भी स्टाइलिंग है। दिस इज अ व्हाइट ये विद विद बोरिंग के साथ है, हाँ जी, हाँ जी, एम्ब्रॉयडरी के साथ है, आगे इसका पैटर्न फर्क है। तो दैट्स हाउ ये हमारा पूरा व्हाइट रेंज है, पूरा अलग अलग दुपट्टे के संग अलग अलग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह का व्हाइट में, मतलब कि हर एक चीज के अंदर कॉन्सेप्ट में वैरायटी मिली, टोन टू टोन एम्ब्रॉयडरी भी, कुछ कंट्रास्ट एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। देखिएगा ये व्हाइट पे ये कलर के थ्रू भी एम्ब्रॉयडरी की गई है। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम शर्ट की बात करें तो दिस काइंड ऑफ शर्ट के संग भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, आप व्हाइट को अपने एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर लुक दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओनली श्रग्स भी चाहिए तो भी मिल जाएंगे, और श्रग्स में हमारे पास कॉटन के भी श्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द कॉटन के अंदर श्रग्स हैं, मतलब आप जैसे जैसे पूना है, बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, मतलब यंगस्टर्स जो कॉलेज गोइंग पर्सन गर्ल्स जो होती है जनरली वो चीज ज्यादा, यू वांट एक कोट टाइप की लुक, मतलब एक फॉर्मल फील आती है। कॉटन में भी शर्ट्स हैं, ये देखिएगा श्रग्स के अंदर हमारे पास व्हाइट शिफ्ट एम्ब्रॉयडरी में भी इस तरह के भी श्रग्स है, ये जापानीज टाइप का जो कुमोनो स्टाइल के श्रग्स बने हुए हैं, ये वो श्रग्स हैं। हाँ जी, और ये हमने ये विंटर्स में हमने ये किया था, तो ये विंटर्स का पूरा स्टॉक है, ये विंटर्स में हमारा शॉर्ट्स का पूरा स्टॉक है। ठीक है, और हम लोग ओखला के दिल्ली में है, दिल्ली में हम लोग ओखला में है, हाँ जी, और ओखला में भी हम लोग क्राउन प्लाजा फाइव स्टार होटल के बैक साइड पे है, और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन नियर बाय है, और जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सर ने बताया है 40,000 है। हाँ जी, और जो भी कुछ डिटेल्स जो रह गई हैं, हमारे जो साइजेस हैं ये ब्रांडेड साइज है, मतलब यूके साइजेस से चलता है क्योंकि हमारा इंटरनेशनल भी हमारा चाहता है। ठीक है, और एक आप नॉर्मल साइज से हमारा एक साइज बड़ा होता है, और मैंने अपना काफी कुछ बताने का प्रयास किया है। लेकिन कर्टेन साइज के लिए या क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कोई भी इश्यू नहीं आएगा, एक ट्रस्टेड फर्म है, वही मैं दोबारा रिपीट करूंगा जी। साइन जी की मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आप हमें बोलते हैं तो जब इस रेडी ऑर्डर रेडी, हाँ जी, स्टॉक पे हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं, और दूसरा जो है कि जब आप हमें ऑर्डर देते हैं तो जी हमारी कनेक्टिविटी और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब तक रहता है जब तक कि वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचता, रिसीव नहीं हो जाता। इट्स माय इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओनर, हाँ जी, क्योंकि आज जैसे आपने हमें ऑर्डर किया तो जो हमारा जो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, हाँ जी, एक सीनियर की आपके पास होती है, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में जो सीनियर हेड है उनकी डिटेल्स आप उनकी भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, एज अ ओनर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और जो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स टू ट्रांसपोर्ट में है उसका, तो उसका भी आपके पास डिटेल होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट, हम लोग सब एक लूप में रहेंगे टिल द टाइम आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बिल्कुल, तो मैं एट लास्ट में सब एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए आप यहाँ पर विजिट करेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इफ इन केस आप नहीं आ सकते, आप दूर रहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पहले मैं ऑनलाइन ही कस्टमर से मंगा लूँ, तो ईजी है, जैसे मैं हमने बताया कि वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है यहाँ पर, और ट्रस्टेड फर्म है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे चाहे वैसे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे सुविधा सभी तरह की अवेलेबल मिल जाने वाली है, तो इस पर फिनिश करते हैं। थैंक यू मैम।